अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, F1 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मेरे हस्बैंड का नाम अब्दुल नज़ीर है, आसिफ के नाम से जानते हैं उनको लोग। 3 मई के जब से उन्होंने लापता है, नहीं है, मतलब घर पे नहीं आ रहे, कहाँ है नहीं मालूम। 9 बजे के टाइम गए थे मेरे को बोल के कि हमेशा की तरह काम पे जा रहा हूँ बोल के, फिर नहीं आए वापस। आता हूँ सहरी के इफ्तार रोज़ा खोलते समय आता हूँ बोल के गए, सो आयश नहीं, तो नाइट भी करते हो नो, मेरे को मालूम था। रमज़ान में 2-3 बार भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने नहीं आए थे बोल के, फ़ोन भी नहीं लग रहा था, फ़ोन करे भी तो परेशान कहीं को होते। कभी नहीं आया तो मैं दुकान में रहता हूँ, कभी कस्टमर कन जाता हूँ, मैं फ़ोन नहीं लगा तो नक्को ऐसा परेशान हो बोल के बोले। तो मैं लाइट ले ली थी, सहरी में कैसा भी आते हैं रोज़ा सहरी कर लेके दोस्तों के साथ बोल के, हमेशा ये पूरा रमज़ान ऐसे कर रहे थे उन्होंने, नाइट करके दोस्तों के साथ सहरी करके आता हूँ बोल के। सहरन होने के 10 मिनट पहले घर पर आ रहे थे उन्होंने, सहरन हो गया उसके बावजूद भी नहीं आए उन्होंने। फिर हमारे जेठ आके पूछे कि है क्या आप बोल के, आसिफ है क्या घर पे बोल के पूछे, तो मैं नहीं है बोली, दुकान पे है भैया उन दोस्तों के साथ, अब आते थोड़ी देर में बोली। नहीं उन्हें वहाँ भी नहीं है बोला, तो मेरे को घबराहट हुई, मेरे भाई को फ़ोन करी तो मेरे भाई को कुछ और ही मालूम है। क्या मालूम है बता सकते हो? मैं बहन मेरे को कॉल किए थे, मैं उनके दोस्त है एक साबिर बोल के, उनके घर पर गया मैं, जाके मालूम करा था। मैं कल 2 बजे से मैं भी कॉल ट्राई कर रहा हूँ उनको, उनका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, शाम में काम करना है बोल के, उसके बारे में ऑलरेडी बात हुई बोल के बताए थे उन्होंने। तो उसके बाद जो है मैं PS गया, PS जाके कंप्लेंट दिया, पहले उनके वालदा को फ़ोन करा मैं कि आधा फ़ोन भजन का स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ मालूम है क्या, बोले तो नहीं मालूम बोल के बोले। फिर मैं जब साबिर भाई को यहाँ बस्सी में भी मालूम करा मैं, मालूम करने थे क्या हुआ बोले तो सहरी जो है ना उनके वालदा के घर पर कर रहे बोल के मालूम हुआ। बहन को क्या है खाली दोस्तों में यहाँ पर काम चल रहा बोल के मालूम करे नो, खाली दोस्तों के साथ नाइट चल रही काम, दोस्त रहते पूरे सहरी साथ में कर रहे, आप अलग कर लो बोल के सहरी। यानी कि इन्होंने हमारे बहन सहरी कर रहे थे खाली, उन्होंने अकेले 2 जने रहते, हस्बैंड वाइफ रहते थे यहाँ पर, तो उन्होंने बिन खाली पानी पी के 1 जने पका के खाने से ही खाना वेस्ट होता, पहले लॉकडाउन चल रहा बोल के उन्होंने क्या करे उस हिसाब से उन्होंने खाली उनका पानी उन्होंने नहीं आ रहे ना बोल के पानी पी लेके सहरी। अपन एक संगात करेंगे, एक तो भी जी आओ कहीं को, अगर नाइट करे ठीक है, 3 बजे तक खत्म हो रहा होटल में कहीं को जा रहे, घर पे आओ सहरी करेंगे बोले तो नहीं, दोस्त बुरा मान जाते, उन लोगों के साथ करके आता हूँ बोल के मैं घर पे आरश नहीं, तो ना मैं पानी पी कर रह रही थी घर पे। पुलिस का मैं ये मालूम करके सुबह मैं यहाँ पर 3 नंबर PS गया मैं, जाके मालूम करा तो कंप्लेंट दिया मैं था, मेरे जीजा मिसिंग है बोल के, तो वहाँ पर जाके मालूम चला कि 1 दिन पहले ही क्या है कोई और कंप्लेंट दी है कि यू नो ऐसा हमारे जीजा जो है ना किसी उनके वाइफ को ले लेके चल गए बोल के मालूम हुआ। किसके वाइफ को ले गए? जो हमारे जीजा के भाई है ना उनकी साली को गए थे, और जो जिनकी वाइफ हमारे भाईजान के साथ जो गए हुए हैं उन्होंने क्या बता रहे, उनके हस्बैंड क्या बता रहे हैं कि 6 महीने पहले से उनके भाभी यानी मेरे जीजा के वाइफ को इन्फॉर्म दिए गए थे, और उनके वालदा को भी इन्फॉर्म दिए गए थे 6 महीने पहले से कि ऐसा चल रहा चक्कर चल रहा ऐसा कुछ बोल के। कुछ भी इल्म नहीं था, हमारा कुछ इल्म नहीं था, काम यहीं था, हमारे बहन का घर यहाँ है बिल्कुल, दुकान बाजू के शक की कोई बात ही नहीं थी, आते थे यहाँ पर। अब ये 4 महीने से क्या जरा परेशान भी कर रहे थे, कहते बहन को हमारे, वो हमारे को नहीं बोले, क्यों बोले मेरे को 5 महीने 2 महीने पहले मेरा सोना भी लेके चले गए, कस्टमर कन का बड़ा ऑर्डर आया मेरे को, और मेटेरियल लाने के लिए पैसे नहीं है, 3 साल होता, अब 2 महीने गए, नहीं है, कितना सोना लेके गया? 4.5 तोला समझा। तो जिसके साथ उन्होंने गए इस वक्त जी, उनके शौहर क्या बोले आपको? उनके शौहर बोले कि 6 महीने से मैं अपडेट दे रहा हूँ उनके बड़ी बहन को, बहन देवरानी को, जेठानी बोलते हैं उसको, जेठानी को इन्फॉर्म दे रहा हूँ मैं, एक नाते में यहाँ से हमारी बहन की तरफ से जेठानी होना, हमारी बहन को उनकी बहन जो बच्ची गई ना उनकी तरफ से सगी बहन होना है, वो हमारे शौहर को कुपेरी बहन होना। आप लोग मीडिया के जरिए अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आप मेरे को अपने खुद के भरोसे पे रखे थे, मेरे माँ बाप मेरे को शादी करके दिए, उन्होंने उनके भरोसे पे मेरे को यहाँ अकेले रखे थे, मैं हूँ ना, किसकी भी जरूरत नहीं है तेको बोल के मेरे को अकेले रखे, मेरे को ये बोल के गए 9 बजे कि मैं रोज़ा खोलते समय हमेशा की तरह इफ्तारी लेके घर पर आ जाता हूँ, फिर अभी तक नहीं आए। मैं चाहती हूँ आप आओ, क्या वजह से नहीं आ रहे वो बोलो, मेरे बड़ों के साथ बात करो, ये चाहती हूँ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद क्या बोले आपको पुलिस वाले? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद ट्रैकिंग पे है बोल के बता रहे हैं, आ जाता कहीं नहीं जाते, पूरे डिटेल चरी सर्च कर रही बोल के बता रहे हैं। होने की जरा फोटो बताओ।